अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पर एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। मेरा आज का मौजू है अल्ताफ़ हुसैन साहब। जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन साहब की पॉपुलैरिटी इस वक्त आसमानों को छू रही है, सोशल मीडिया से निकलकर गली मोहल्ले सड़कों हत्ता के ड्राइंग रूम निजी महफिलों लोगों की छोटी छोटी टोकरियों की सूरत में होटलों पर जमा होना चाय की चुस्की के साथ, ये बात कहते हुए दिखाई देना कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की वापसी कब हो रही है। इस वक्त अल्ताफ़ हुसैन साहब की पॉपुलैरिटी आसमान को छुई हुई है। उसकी वजह यह है कि लोग काफ़ी हद तक इस सेटअप से मायूस हो चुके हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब की वापसी पिछले साल अगस्त में मुतवक्के थी, आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। कौन लोग थे जिन्होंने इस बात को रुकवाए रखा कि नहीं, हमें एक चांस और दिया जाए, बल्कि उल्टा बल्दियाती इलेक्शन से बायकॉट करके चले गए, जिसका खमियाजा कराची वालों को आइंदा आने वाले सालों तक उठाना पड़ेगा, चाहे वो नौकरियों के हवाले से हो, चाहे दीगर सूरत हाल के हवाले से हो। अल्ताफ़ हुसैन साहब की पॉपुलैरिटी को जो है वो मैनिपुलेट किस तरह किया गया था, ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब ये है कि लोग बेताब हैं कि कब उनकी वापसी होगी, तो ये बात काफ़ी हद तक वाज हो चुकी है कि इंशाल्लाह 17 सितंबर जो उनकी बर्थडे का दिन है उससे पहले पहले इंशाल्लाह को जलसा मुनक्किद होगा। दूसरा ये कि इंटायरिम गवर्नमेंट का जो वज़ीर आज़म अनाउंस होना है वो भी सुनने में आ रहा है कि कोई शख्सियत होगी जो सिंध से ताल्लुक़ रखती है। तीसरा ये कि इमरान ख़ान साहब की जो सज़ा है ये पिछले साल ही मुतवक्की थी कि उन्हें जेल की हवा जो है वो एक बार ज़रूर खिलानी है, क्योंकि ये फ़िक्र आपने सुना होगा कि हर चीज़ मीज़ान में अच्छी लगती है, यानी कि बराबरी। वो इस सूरत में कि इमरान ख़ान साहब हमेशा जो है वो लेते रहें, कभी वो दिया नहीं है उन्हें कुछ, इस बार वक्य ये है कि उनसे काफ़ी कुछ जो है वो लिया जाएगा। ये नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से वो चाहे और दीगर मामलात हों, और अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में भी ये बात पिछले साल से कही जा रही थी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को कोई ना कोई डील कर लेनी चाहिए, लेकिन आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है वो गिव एंड टेक की पॉलिसी पे ख़ासा यकीन नहीं रखते, कि उनका या उनके मानने वालों का हमेशा से यही कहना है कि वो गरीब मुतवसित तबके की नुमाइंदगी करते हैं, वो क्या किसी को कुछ देंगे या किसी से क्या वो ले सकते हैं। कि इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो पैसों से भरा ब्रीफ केस था जो उन्होंने उसी तरह वापस लौटा दिया था। ये कि आइंदा आने वाले दिनों जो है वो अल्ताफियंस के लिए काफ़ी खुशी के दिन साबित होंगे, ख़ास तौर पर कराची वालों के लिए। तो इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को क्या कहूँ, बाकी आप जो है वो ख़ुद काफ़ी हद तक समझदार हैं। तो आप लोग से गुजारिश ये कि मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।